हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रो इकेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सर ये जो रो इकेलॉन फॉर्म है उसका यूज क्या है। तो यहां पे नोट करके मैंने लिख के रखा है कि दिस फॉर्म इज यूज्ड टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर हमें कोई मैट्रिक्स देके रखा है तो उसका अगर हमें रैंक फाइंड करना है तब ये जो रो इकेलॉन फॉर्म है वो काम आने वाला है। अब कैसे काम आएगा, कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रो इकेलॉन फॉर्म यानी क्या, रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म यानी क्या। तो सबसे पहले तो रो इकेलॉन फॉर्म की बात कर देते हैं। तो यहां पे लिख के रखा है कंडीशन फॉर रो इकेलॉन फॉर्म, यानी जो भी मैट्रिक्स हमें देके रखा है वो रो इकेलॉन फॉर्म में है या नहीं वो कैसे चेक करें। ठीक है, तो उसके लिए दिया गया मैट्रिक्स अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी जाके हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स रो इकेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं। पहली कंडीशन है लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी यूनिटी, यूनिटी यानी वन। ठीक है, तो उसके लिए सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं हम। ये जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि जो लीडिंग एलिमेंट है हर एक रो का वो वन के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहां पे ये रही रो, ये रहा लीडिंग एलिमेंट, नहीं ये स्टार्टिंग का ये लीडिंग एलिमेंट नहीं है। क्यों? लीडिंग एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होता है, जीरो को हम लीडिंग एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो लीडिंग एलिमेंट कितना है, वन है। ठीक है, दूसरी रो में जाते हैं लीडिंग एलिमेंट वन है। ठीक है, तीसरी रो में जाते हैं लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, अगर लीडिंग एलिमेंट होता तो वो वन के बराबर होता, तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि लीडिंग एलिमेंट हर एक रो में वन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन कौन सी है, इफ एनी जीरो रो इज प्रेजेंट देन इट मस्ट बी प्रेजेंट एट लास्ट। यानी क्या कि अगर इसमें से कोई भी जीरो रो है, जीरो रो, ये जीरो रो यानी क्या, सारे जीरोस है रो में, सारे जीरोस है, तो वो हमेशा लास्ट में होने चाहिए, लास्ट रो में होने चाहिए। देख लेते हैं, यहां पे ये जीरो सारी है, नहीं ये भी सारे जीरो नहीं, ये सारे जीरो है, और ये जीरो रो कहां पे है, सबसे लास्ट में है, तो वही लिख के रखा है अगर जीरो रो होती है तो सबसे लास्ट में होने चाहिए, तो हां सबसे लास्ट में है, तो ये वाली कंडीशन दूसरी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी चेक करते हैं, इन ईच रो नंबर्स ऑफ जीरोस मस्ट बी मोर देन प्रीवियस रो। इसका मतलब क्या कि फर्स्ट रो में जितने जीरो है उससे ज्यादा जीरो सेकंड रो में होने चाहिए, उससे ज्यादा जीरो थर्ड रो में होने चाहिए, तो वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो में एक जीरो, ठीक है, अब दूसरे में एक से ज्यादा होने चाहिए, तो दूसरे में एक से ज्यादा दो है, तीसरे में एक, तीसरे लास्ट में उससे भी ज्यादा होने चाहिए, तो एक दो तीन चार उससे भी ज्यादा है, तो तीन कंडीशन ये वाला मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में है, एक रो इकेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी, के लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है, थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है, वन है। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, कि अगर जीरो वाली रो है तो वो लास्ट में होनी चाहिए, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो यहां पे तो कोई जीरो वाली है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन कौन सी थी हमारी, कि फर्स्ट रो में जितने जीरो है उससे ज्यादा सेकंड में, उससे ज्यादा थर्ड में होने चाहिए, फर्स्ट रो में कितने जीरो है, एक भी नहीं, तो सेकंड रो में एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, तो सेकंड रो में एक दो है, थर्ड रो में तीन होने चाहिए, तीन से ज्यादा होने चाहिए, थर्ड रो में तीन है। ठीक है, तो तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इकेलॉन फॉर्म में है। और चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कौन सा, लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है, यहां पे भी लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है, यहां पे भी लीडिंग एलिमेंट वन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी, जीरो वाली जो रो है वो लास्ट में होनी चाहिए, अगर जीरो वाली रो हो तो, तो यहां पे तो कोई जीरो वाली रो है नहीं, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लास्ट कंडीशन हमारी कौन सी थी, कि फर्स्ट रो में जितने जीरो होंगे उससे ज्यादा सेकंड में, उससे ज्यादा थर्ड में होने चाहिए, तो यहां पे फर्स्ट रो में कितने जीरो है, दो है, तो अब सेकंड रो में तीन होने चाहिए, तो सेकंड रो में तो कम है, एक ही है, यानी कि ये इकेलॉन फॉर्म है नहीं, क्योंकि ये हमारी कौन सी, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, तो आगे ये लीडिंग एलिमेंट वन, यहां पे कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, यहां पे लीडिंग एलिमेंट वन। अच्छा, दूसरी कंडीशन कौन सी थी, कि अगर जीरो वाली रो है तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, यहां पे जीरो वाली रो लास्ट में नहीं है, बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इकेलॉन फॉर्म नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो इकेलॉन फॉर्म, रो इकेलॉन फॉर्म है, उसे हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स यानी क्या, इकेलॉन फॉर्म में हम देख सकते हैं ये साइड पे एक लोअर ट्राइंगल जीरो बनने वाला है, ठीक है। लोअर ट्राइंगल जीरो बना, ऊपर की साइड कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू है, तो इसे हम बोल देंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। उसी तरीके से ये भी इकेलॉन फॉर्म है, यहां पे भी ये ट्राइंगल बना जीरो वाला, लोअर जीरो मिला, तो ये हो गया अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो एक और चीज हमें मालूम पड़ गई, कौन सी, कि रो इकेलॉन फॉर्म को हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं रो रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म की, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स हमें देके रखा है वो रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म में है या नहीं, वो कैसे चेक करें, तो उसके लिए वो मैट्रिक्स एक कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है, तो यहां पे लिखी है कंडीशन फॉर रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म क्या है, बिलो एंड अबव ऑफ लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर, मस्ट बी यूनिटी, देयर मस्ट बी जीरो, यानी जो भी मैट्रिक्स हमें देके रखा है उसका जो लीडिंग एलिमेंट है वो तो वन तो होना ही चाहिए, वो तो हमें पता है, लेकिन वो वन के ऊपर और नीचे की साइड जीरो होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे दिया गया मैट्रिक्स रिड्यूस रो इकेलॉन के फॉर्म में है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये पहला मैट्रिक्स है, इसे चेक करना है, तो कैसे करें, सिर्फ यही चेक करना है एक के ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे ये लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसके नीचे जीरो है, हाँ जीरो है, इसके ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो आएंगे नहीं क्योंकि तो फर्स्ट रो है, ठीक है, तो नीचे जीरो है, बराबर है। सेकंड रो की बात करें, ये रहा लीडिंग एलिमेंट, ऊपर और नीचे जीरो है, हाँ है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीडिंग एलिमेंट ये रहा, इसके ऊपर नीचे जीरो चाहिए, नीचे तो जीरो है, ऊपर ये तो फर्स्ट रो है तो ऊपर तो होंगे नहीं, नीचे तो जीरो है, ठीक है। फिर सेकंड रो की बात करें, ये रहा लीडिंग एलिमेंट, ऊपर और नीचे जीरो है, हाँ ऊपर नीचे जीरो है। थर्ड रो की बात करें, तो ये रहा ऊपर जीरो है, हाँ है, नीचे होंगे नहीं होंगे, तो लास्ट रो है इसलिए नीचे तो नहीं आएंगे, ऊपर तो है, यानी ऊपर नीचे जीरो होने चाहिए, तो ये भी कौन सा हो गया, रिड्यूस्ड रो इकेलॉन फॉर्म। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसे चेक करते हैं, लीडिंग एलिमेंट ये रहा, ऊपर नीचे जीरो चाहिए, फर्स्ट में ऊपर तो चाहिए नहीं, नीचे तो दो जीरो है, ठीक है। सेकंड में जाते हैं, ये रहा लीडिंग एलिमेंट, ऊपर जीरो है, नीचे भी होना चाहिए, नीचे है नहीं, यानी ये रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। लास्ट चेक कर लेते हैं, लीडिंग एलिमेंट वन है, ऊपर होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट रो है, नीचे जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, ये रहा वन, ऊपर नीचे जीरो चाहिए, तो ऊपर नीचे जीरो है, ठीक है। लास्ट में जाते हैं, लास्ट रो, ये रहा लीडिंग एलिमेंट वन, नीचे तो जीरो होगा नहीं, लास्ट रो है इसलिए ऊपर जीरो चाहिए, ऊपर जीरो है नहीं, तो ये भी कौन सा, रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म नहीं है। सो आई होप जो कंसेप्ट है इकेलॉन फॉर्म और रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म के, वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।